चलो पसीना पूछ ले। पारंपरिक चित्रकला में मैं यहाँ पे मधुबनी आर्ट को सिखा रही हूँ। मधुबनी असली में मधुबनी जिला है बिहार में, नेपाल बॉर्डर में, वहाँ की कला है। इसमें पारंपरिक पौराणिक कथाओं का, प्राकृतिक चीज़ों का और जनजीवन का वहाँ चित्रण किया जाता है। राजस्थान में जैसे वीर गाथाओं का है, गुजरात में गरबा और वहाँ की संस्कृति को बताया जाता है। तो मधुबनी आर्ट में ज़्यादातर हिंदू मैथोलॉजी, जो अपने धार्मिक कथाएं हैं, उसका चित्रण होता है। दीवाल में वहाँ होता है, या कभी शादी ब्याह है तो उस अवसर के हिसाब से भी उसमें दीवाल में पेंटिंग की जाती है। लेकिन जब यहाँ पे हम इस चीज़ को ज़िंदा रखना है तो हैंडमेड पेपर एक होता है मधुबनी का, स्पेशली वहीं से आता है ये, जिसमें दीवाल का लुक दिया जाता है। वहाँ तो इसे प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है, गेरू है, हल्दी है, टेसू के फूल से ऑरेंज कलर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फैब्रिक कलर में पानी मिला के उसको डल फिनिशिंग देते हैं ताकि वो नेचुरल कलर दिखे। सामान्य चित्रकारी मधुबनी में पहली नज़र में क्या फर्क नज़र आता है, क्या शैली होती है, किस तरह की होती है? अंतर तो ये नज़र आता है कि आज हम देखते हैं मॉडर्न आर्ट, परंतु जब हम इसको देखते ही हम ऐसा लगता है हम बहुत पहले अपने पूर्वजों के समय में चले गए हैं। आज से हम 50 साल पहले यहाँ पे इस जगह पे खड़े हैं, इस तरह से लगता है, क्योंकि उसका लुक उस तरह का होता है। और पुरानी चीज़ें तो हमेशा अच्छी होती है, ओल्ड इज़ गोल्ड, इसलिए मन भी खुश होता है। बच्चों को क्या बता रही है? बच्चों को तो मैं यही बता रही हूँ कि हमारी पुरानी कला है और जब तक हम उसको ज़िंदा रखते हैं, अपनी कला और संस्कृति को ज़िंदा रख के ही हम अपने इतिहास को मजबूत बना सकते हैं। और इतिहास तो एक बार नहीं लिखा जाता, कभी दीवार में लिखा गया है, आज हम हैंडमेड पेपर पे लिख रहे हैं। इस बार कैसे स्टूडेंट मिले? स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, लगनशील हैं, कभी किसी ने कोई परेशानी नहीं उत्पन्न करी। बड़े भी हैं, उम्र दराज 50 एज के भी हैं, 7 ईयर्स की एक छोटी बच्ची है, और सब में वही लगन दिखा है। इसलिए ऐसा लगता है कि यदि हम इन कलाओं को ज़िंदा रखते हैं तो हमारा भविष्य अच्छा है और हम अपने इतिहास, एक नया इतिहास बना सकते हैं। आकार नहीं मंच दिया जी, बहुत ज़्यादा, इसलिए कि इसी आकार से मैंने मधुबनी सीखा और आज ये मौका मुझे आया है, मिला है कि विलासा कला मंच ने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ मैं कला गुरु बन सकी। गुरु बनना एक बहुत ही आदर और सम्मान की बात होती है। कभी हम शिष्य थे, आज गुरु हैं। कभी हम लेते थे, आज हम दे रहे हैं, और लेने से देना भला है। अपर्णा। पापा का दरवाजे में किसी ना शौकिया था, फिर कर रही हूँ सीरियसली, कभी कुछ भी नहीं किया। अच्छा,
ड्राई फ्लावर जो हम सिखा रहे हैं इसमें सारे नेचुरल फ्लावर्स हैं। इसमें हमें खेतों के सामान, जंगलों से और डैमेज पीसेस, रिसाइकलिंग वाले सारे फ्लावर्स हम बता रहे हैं। हमारे पास मिसल नए केमिकल्स फ्लावर्स हैं, सोप के फ्लावर्स हैं। हम हर साल नए आइटम्स लेके आते हैं और हम फर्स्ट चांस में हम जब रायपुर में हम जो भी डिज़ाइनिंग देते हैं उसके बाद काफ़ी बच्चे हॉबी क्लासेस में और भी जगह में आते हैं। हम काफ़ी नए डिज़ाइनिंग्स लेके आते हैं और छत्तीसगढ़ में हम ड्राई फ्लावर के मास्टर ट्रेनर हैं। 10 ईयर्स से हम ये काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ट्रेनर तैयार हो गए हैं, हमें खुशी होती है कि तैयार हो चुके हैं सर। हाँ सर, हमारे यहाँ हमने एक समूह बनाया है, नेक महिला स्व सहायता समूह। वो बिहार गए थे, छत्तीसगढ़ को फर्स्ट प्राइज दिलाए थे सर्वाधिक बिक्री के लिए। इसके अलावा महिला आईटीआई कोनी में हमने ट्रेनिंग दिए थे, वहाँ पे अभी कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रही है। बच्चे मतलब हॉबी क्लासेस में तो बच्चे अपना इनकम करते हैं, इसके अलावा बहुत सी महिलाएँ जो समूह के माध्यम से आगे काम कर रही हैं। और सर हम और भी विभाग के माध्यम से कंटिन्यू 7 मंथ घर से बाहर ही रहते हैं, और भी लोग हैं काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी कमाई हो रही है। अभी सर मैं सारे ड्राई फ्लावर्स सिखा रही हूँ और ये सारे आइटम्स न्यू हैं। मैं नीरजा हल्दर, ग्राम देवरी खुद बिलासपुर से हैं। इसका ले लीजिए। नहीं मैं तो बस, मेरे को अच्छा लगा तो मैं सीख रही हूँ इसकी डिजाइन्स, और इसकी डिजाइन्स बहुत यूनिक है, इसलिए हो सकता है अगर मैं इसमें एक्सपर्ट बन गई तो मैं इसकी क्लासेस लूँगी। हाँ सीखने के लिए तो आई हूँ मैं, कुछ नया सीखना था मुझे इसलिए मैं आई। मैं अभी मैं 2 ही बनाई हूँ, उसको कंप्लीट कर रही हूँ। हाँ अगर नेक्स्ट ईयर आएगा तो करूँगी राखी। आज के समय में खास करके जो छोटे बच्चे हैं या जो स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे को बेसिक यही से स्टार्ट हो जाता है कि स्कूल में जो थर्मो मतलब जो भी मॉडल्स या कोई प्रोजेक्ट बनाना रहता है वो तो थर्मोकोल सबसे इजी माध्यम है और बहुत इजी कटता है और बहुत इजी बनता है, ठीक है। तो अगर बच्चे इस थर्मोकोल के माध्यम से कोई भी चीज़ बनाना चाहेंगे तो उनका काम बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और आज के समय पर आप देखेंगे बड़े बड़े सेट्स वगैरह जो बनते हैं उसमें थर्मोकोल का बहुत उपयोग होता है, और चूँकि हल्का होता है और काटने में इजी होता है, कार्विंग में इजी होता है,
और इसमें अच्छे अच्छे बताओ नक्काशी मतलब अलंकरण जो होते हैं बहुत अच्छे ढंग से बन सकते हैं और बहुत ईजी माध्यम है मतलब। हाँ, इसका व्यावसायिक इसलिए बहुत संभव है कि आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े सेट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, इसमें थर्मोकोल के उपयोग होते हैं या आजकल और भी देखेंगे आप कि शादी वगैरह में जो थर्मोकोल के क्या बोलते हैं नंबर्स वगैरह लिखे लिखे जाते हैं, नाम लिखे जाते हैं उसमें, तो होते ही आप देखेंगे जनरल देखेंगे। फिर उसके अलावा देखेंगे जैसे गणेश के सीजन में कि मंदिर बनकर आ जाता है मार्केट पे, या थर्मोकोल के बहुत सारे ऐसे देखेंगे आप मतलब कलाकृति वगैरह बनी मिलती है, मॉडल्स वगैरह मिलते हैं, बहुत अधिक उपयोग होता है इसका। यहाँ पर बच्चों को मैं मतलब थर्मोकोल की कटिंग्स कार्विंग्स बेसिक जो होता है मतलब कि बच्चा एक जाने की मतलब कटिंग्स कैसे करते हैं थर्मोकोल को, उसके बाद उसकी कार्विंग है। बच्चा कटिंग सीख जाएगा तो फिर वो कुछ भी मॉडल बना सकता है, कार्विंग सीख जाएगा तो उसमें बहुत अच्छी आकृतियाँ वगैरह कलाकृति बना सकता है, ठीक है। तो पहले तो बेस ये था बनाने का, और ये जो आप देख रहे होंगे इसमें बना हुआ तो बच्चों को उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ चीज़ है, फिर उन्होंने कटिंग किया फिर उसके बाद कार्विंग किया, ठीक है। बच्चे अब इनके काम से आपको लग रहा होगा सब अपने काम में लगे हुए हैं करके, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे जो समय है उससे ज़्यादा समय दे दे रहे हैं, जो यहाँ का 3 घंटे का समय है बच्चे पहले आ जाते हैं और आखिरी तक आखिरी में जाते हैं, और उनके लगन से आपको समझ में आ रहा होगा जो आप देख रहे हैं इसको काम कर रहे हैं सब। क्या लगता है इसमें ज़्यादातर लोग मेरे को लग रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कम समय पे जितना ये बच्चे सीखे हैं उसको लग रहा है कि और इनकी मेहनत देख के लग रहा है, जैसे आप पीछे साइड देखेंगे अंधेरे में भी बच्चे बैठ के काम कर रहे हैं वहाँ पर, है कि नहीं, तो उनकी लगन ही है चीज़ जो है, और खुद भी काम कर रहे हैं। रमाकांत सोनी काम कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ 1 सेकंड के लिए। Thank you.
ऐसे खूब सारे लोग हैं हमारे पास, लगभग 25 के लोग हैं और बहुत अच्छा है सभी लोग। कुछ लोग तो छत्तीसगढ़ी जानते हैं पर नहीं जानते हैं, उन लोग भी छत्तीसगढ़ी सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है। और वो भी भरथरी हमारे जो लोकगीत है उसको सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग जस गीत है, भरथरी, सुआ, कर्मा, ददरिया, जो हमारे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है उनको हम लोग सिखा रहे हैं। पहली बार शिविर में छत्तीसगढ़ी गीत? जी जी जी, पहली बार। हाँ, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत, लोकगीत को पहली बार शामिल किया गया है और बहुत अच्छे लोग भी आए हुए हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं सब।